Hello friends, welcome back to my channel. This is Manish, your career tutor. तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है BITSAT EXAM, यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इसको कंडक्ट कराती है. तो ये एग्ज़ाम क्या है, किसके लिए है और इससे क्या फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ. तो सबसे पहली बात ये कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ वन ऑफ द टॉप नॉन गवर्नमेंट कॉलेज इन आवर कंट्री, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है बिट्स पिलानी. और इस एग्ज़ाम के तहत जो कोर्सेस ऑफर की जाती है वो है बीई, बी फार्मा एंड एमएससी. तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात इम्पोर्टेंट डेट्स. तो इसके रजिस्ट्रेशन का विंडो 20 मार्च को क्लोज हो जाएगा, तो इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें. और इसका एग्ज़ाम है 16 से 26 मई के बीच में. तो इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लो सबसे पहले. तो बी फार्मा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट 12th बोर्ड में, और 12th बोर्ड में मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 60% इन ईच. सेम वे फॉर बीई एंड एमएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिनिमम 75% एंड 60% इन ईच. हाँ, और इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है बोर्ड टॉपर्स के लिए, यानी कि जो बोर्ड में टॉप करते हैं उनको इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है. क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा इसके लिए, क्वेश्चन पैटर्न होगा फिजिक्स में 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन, मैथ्स या बायोलॉजी 45 क्वेश्चन. प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो -1 मिलेगा इस पर, नेगेटिव मार्किंग है इसलिए. फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 3150 रुपया है फॉर मेल कैंडिडेट एंड 2650 रुपया है फॉर फीमेल कैंडिडेट. रजिस्ट्रेशन फ़ी है इस प्रकार. उसके बाद इस एग्ज़ाम के तहत 3 कैंपस में एडमिशन होता है. बिट्स का 3 कैंपस है हमारे कंट्री में, पिलानी गोवा में है और हैदराबाद में. पिलानी में जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वह है बीई, बी फार्मा, एमएससी. गोवा में बीई, एमएससी, हैदराबाद में बीई, बी फार्मा, एमएससी. तो ये ओवरऑल व्यू है इस एग्ज़ाम के बारे में. हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 20 मार्च को इसका क्लोजिंग डेट है, तो इसे पहले रजिस्ट्रेशन करें. और फर्दर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी पता चले इस एग्ज़ाम के बारे में. थैंक यू.